हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी जेई चैनल. दिस इज जेई लाइव डेली. और आज हमारा बच्चों लेक्चर नंबर 5 है 3D ज्योमेट्री का. बच्चों लास्ट लेक्चर आई होप सारे बच्चों ने देखा है, जहां पर हमने प्लेन का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था. प्लेन की इक्वेशंस कैसे हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी. अब यहाँ पर आगे हमें करना क्या है, अब प्लेन के साथ में कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा डेटा गिवन हो सकता है. प्लेन के साथ में एक पॉइंट गिवन हो सकता है, प्लेन के साथ में एक लाइन गिवन हो सकती है, प्लेन के साथ में दूसरा प्लेन गिवन हो सकता है, और उस पर हमें कुछ सिनेरियो जनरेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही कहानी स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास अगर एक प्लेन है, एक पॉइंट है, तो हम कैसे कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या हमें एक्चुअली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये सब बच्चों आज के लेक्चर में होने वाला है. ठीक है, सो अगर किसी ने अनअकैडमी जेई चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब प्रेस करो और अपना बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपके इस तरह के लाइव लेक्चर्स, अमेजिंग लेक्चर्स कभी मिस ना हो. ठीक है, यहां पर बच्चों मैं समीर चिंचोलीकर हूं. आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. और यहाँ पर आपको जो टीचर्स नजर आ रहे हैं, जयंत सर, पारस सर और नमो सर, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर. आई होप आप सभी टीचर्स के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो फॉर योर जेई प्रिपरेशन. बच्चों यहाँ पर जो आपको क्वालिटी मिलेगी, यहाँ पर जो आपको टेक्नोलॉजी, बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी आज की डेट में एग्जिस्ट करती है, उसको यूज़ करके जो चीज़ समझाई जाएंगी, ऐसा आपको कंटेंट और कहीं नहीं मिलने वाला है. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज लेक्चर्स विथ फुल डिसिप्लिन और मैक्सिमम कोशिश करो यहाँ पर कि आप लाइव अटेंड कर पाओ. ठीक है, ऑलराइट. सो बच्चों अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है, अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, देन डू लाइक दीज लेसन्स और इनको शेयर जरूर करो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर विद द हैशटैग जेईई लाइव डेली. ठीक है, जेईई लाइव डेली इस हैशटैग के साथ में आप शेयर कर सकते हो. ठीक है, ताकि हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन है, आप सब भी इसका हिस्सा हैं और इसको आगे और बढ़ाना चाहते हैं. यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि दिन ब दिन हमारी जो फैमिली है अनअकैडमी जेई चैनल की, वो बड़ी होती जा रही है. और इससे हमें पता चलता है कि हम जो यहाँ पर एक काम करने के लिए निकले हैं, एक जो टारगेट लेके निकले हैं, वो एक्चुअली वाकई बच्चों को सही लग रहा है और उस डायरेक्शन में हमें आगे और मेहनत करनी चाहिए, ऐसा हम पूरी टीम ऐसा मानती है. ठीक है, ऑलराइट. अगर आपको बच्चों हम सभी टीचर्स के साथ में डिस्कशन करना है, देन यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम ऐप. टेलीग्राम ऐप के ऊपर बच्चों हमारा अनअकैडमी जेई नाम से एक एजुकेशन ग्रुप है ना, उस ग्रुप में ऑलरेडी 25,000 बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं. आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं बाय जस्ट डाउनलोडिंग द टेलीग्राम ऐप एंड देन गोइंग टू द ब्राउजर एंड राइटिंग दिस tinyurl.com/jeeelivechat. ऐसा करने से आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे जहां पर हम रेगुलरली नोट्स और अपडेट्स शेयर करते हैं. ठीक है, और बच्चों यहां पर आपको एक कनेक्टिविटी भी मिलेगी विद ऑल द टीचर्स. अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वहां पर आप ग्रुप मेंबर्स की लिस्ट में जाके हम टीचर्स को ढूंढ के उसके अंदर भी आप एक्चुअली हमसे अलग से प्राइवेट डिस्कशंस भी कर सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मोड ऑफ डिस्कशन, एक और बढ़िया तरीका है हम सब टीचर्स के साथ में मिलने का और कंसेप्ट समझने का, विच इज़ अनअकैडमी प्लस. अनअकैडमी प्लस एक बच्चों बहुत ही रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको जेई की तैयारी करने के लिए सारी ही फैसिलिटीज़ जो होती हैं सारी मिल जाएंगी विथ वन सिंगल सब्सक्रिप्शन. ऐसा और कहीं नहीं होता है. वहां पर आपको जो कहीं और जाने की कोशिश करोगे अगर आप, तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर कोर्स मिलेगा, एक किसी पर्टिकुलर टीचर का कोर्स मिलेगा, एक सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगा. लेकिन अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको क्या हो रहा है, आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है और उसके बाद आपको इस प्लेटफॉर्म पर जो भी फैसिलिटीज़ हैं सारी ओपन हो जाएंगी फ्रॉम डे वन. आप सारे टीचर्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड नॉट जस्ट अस फोर टीचर्स, यहां पर इंडिया के और भी बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, आप उनके साथ भी लेसन्स अटेंड कर सकते हैं, आप उनका भी स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं. आप यहां पर सारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है हर संडे, जो यहां पर बच्चों आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप अटेंड कर सकते हो. और एंड में जो आपको एनालिसिस मिलता है टेस्ट के एंड में, उससे आपको पता चलता है कि आपका कहाँ वीक टॉपिक है, आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, तो वो एनालिसिस आपको बताता है कि आपने किस डायरेक्शन में अब आगे मेहनत करनी चाहिए. सो ऑल दिस थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी जेई एस्पिरेंट, इंक्लूडिंग डाउट क्लियरिंग सेशंस. यहाँ पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं बच्चों, जहाँ पर आप अपने जो डाउट्स हैं उनको अपलोड कर सकते हो. नाउ दीज फैसिलिटीज इफ़ यू सी कि आपको किस रेट में मिल रही है, देन यू विल बी रियली सरप्राइज. ये आपको बच्चों मिलती है लगभग 50 से 60 रुपये पर डे में. ठीक है, क्योंकि आपका जो ईयरली कॉस्ट है वो आप अगर देखोगे तो वो आता है आपका लगभग 27,000. ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू विल गेट. आपको यहाँ पे एक साल तक पढ़ने को मिलेगा फॉर 27,000 रुपीज़. अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो देन इट इज़ फॉर 43. ठीक है, आफ्टर यू यूज़ जेई लाइव कोड. और यहाँ तक पहुँचोगे कैसे, आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और उसके अंदर जो प्लस सेक्शन है उसमें जाके IIT JEE वाले गोल को बस सब्सक्राइब करो. ठीक है, यहाँ से आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा कि आप कितने टाइम तक
अनअकैडमी जेई अनअकैडमी प्लस के ऊपर पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है, एक बार आपने ये सिलेक्ट कर लिया है, आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो सारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ आप यूज़ करने लायक हो जाओगे और आपको वाकई फील होगा कि यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें एक बहुत बढ़िया बूस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो आई गेस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आई गेस सारे नए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं शायद उनको इसके बारे में ऑलरेडी पता है और वो कुछ ना कुछ इसको ज्वाइन करने के बारे में सोच भी रहे होंगे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एक्शंस एंड दैट्स वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, लेकिन उसके पहले एक होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन क्या सारे बच्चों को आ रहा है याद? ठीक है, हमने यहाँ पर एक प्लेन का इक्वेशन निकालने का टारगेट आपको दिया था जो 2017 में एक्चुअली पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो आज भी बच्चों यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के लेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि कितने आसान से क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आ रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। नाउ क्वेश्चंस कैन बी लेंदी बट क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, ये बात आप इन लेक्चर्स के बाद में बिल्कुल मानने लग जाओगे और इससे आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर को प्रिपेयर करने का वो एक अलग लेवल का होगा, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू डू सच क्वेश्चंस जो एक्चुअली प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दैट। अगर आपको अब ऐसे प्लेन का इक्वेशन बताना है जो ये दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर सोचना कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे सोचना स्टार्ट करेंगे? अगर आपको ये सोचना आ गया तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से करते भी आ जाएगा। सी आंसर आएगा इसका प्रमोद, बहुत बढ़िया बेटा, इसका आंसर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अमन, मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, अभी थोड़ा बोलते आ रहा है मुझे, लेकिन हाँ थोड़ा सा सर्दी खांसी वाला माहौल चल रहा है यहाँ पे बैंगलोर में। सो वो तो सभी की दिक्कत है ना, लेकिन क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। मेरी आवाज़ थोड़ी आपको अलग लग रही होगी, लेकिन आई गेस चल जाएगा इससे काम, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास में यहाँ पर ऐसे कुछ फिगर बनेगा बच्चों, है ना। एक प्लेन ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, दूसरा प्लेन ऐसा मान लेते हैं, तो आपके पास में दो अलग अलग प्लेन्स हैं जो यहाँ इस लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब इनके बीच में एंगल कितना है मुझे पता नहीं है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री नज़र आ रहा होगा, लेकिन ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है ये दिखाना कि इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, ऐसा कुछ है भी नहीं क्योंकि यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब मुझे यहाँ पे जो तीसरा प्लेन बताना है वो कैसा होना चाहिए, मेरा तीसरा प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो आई एम ड्राइंग समथिंग लाइक दिस, शायद आप इसके साथ में एग्री करोगे कि हाँ ये जो पीछे वाला प्लेन बना है, मतलब ये कैसा हो गया, आपका जो रूम जहाँ पर आप बैठे हो उसका एक कोना मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, एक रूम का जो कॉर्नर है उसके ऊपर हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने यहाँ पर ये फ्लोर है, नीचे एक आपके सामने लेफ्ट वाली वॉल है, एक आपके सामने फ्रंट वाली वॉल है, ठीक है। ऐसे कुछ फिगर यहाँ पर इमेजिन करने की कोशिश करो। अगर आपके पास में ये फिगर आता है तो अब आपका जो ब्लैक वाला प्लेन निकालने का टारगेट है वो कैसा प्लेन है? दोनों ही गिवन प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। अगर कोई गिवन प्लेन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है तो क्या उनका नॉर्मल भी दोनों नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगा? एक बार विजुलाइज करके देख लें सारे बच्चे यहां पे, आपके पास में ये जो प्लेन्स है, जो पहला प्लेन है उसका नॉर्मल ऐसा जाएगा ऊपर, जो दूसरा प्लेन यहां पर गिवन है उसका नॉर्मल ऐसा कुछ जाना चाहिए, तो आपका जो पीछे वाला प्लेन है, ब्लैक वाला प्लेन है, उसका नॉर्मल कहाँ निकल के आएगा? बाहर निकल के आएगा, ठीक है। एंड दैट विल बी एक्चुअली परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज नॉर्मल्स। दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू रियलाइज इन दिस क्वेश्चन। अगर ये रियलाइज कर लेंगे तो हमें आगे आंसर भी निकालते आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों प्लेन्स पी वन और पी टू के नॉर्मल्स अलग से लिखने की कोशिश करते हैं। लेट अस कॉल दिस नॉर्मल्स एज एन वन वैक्टर एंड एन टू वैक्टर, ठीक है। आपका जो n1 वेक्टर है वो कैसा बनेगा? n1 वेक्टर प्लेन 1 की इक्वेशन को देखना है और x, y, z के कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? प्लेन 1 की इक्वेशन को देखना है और x, y, z के कोएफिशिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कितना? 2, 1 और माइनस 2 हो जाएगा, तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ऐसा आपका पहले वाले प्लेन का नॉर्मल हो जाएगा। दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल कितना हो जाएगा? n2 वेक्टर, ये हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। मेरा जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल अगर मैं एन वेक्टर मानता हूं, ठीक है, रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल अगर मैं एन वेक्टर मानता हूं, ऐसा कुछ मुझे शायद ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो ये जो आपके उसमें एन वेक्टर आ रहा है वो कैसे निकलेगा? इन दोनों के क्रॉस से निकलेगा। रिक्वायर्ड एन वेक्टर इज एन वन क्रॉस एन टू, तो वो निकालना बहुत ही आसान होता है, डिटर्मिनेंट वाला अप्रोच हमें पता है। आई जे के साथ में यहां पर क्या लिखेंगे हम? डिटर्मिनेंट के अंदर जो यहां पर आई जे के कोएफिशिएंट से वो यहां पर लिख देंगे, 2, 1, माइनस 2 एंड 3, माइनस 6, माइनस 2, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे आपके उसमें नॉर्मल आ जाएगा, आपके पास में पॉइंट तो दिया ही हुआ है, नॉर्मल आपने निकाल लिया, तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन भी बड़ी आसानी से आ जाएगी,
ठीक है। ऑल राइट, सूरज यहाँ पर कुछ पूछना चाह रहे हैं हमसे ऐसा लगता है मुझे। ऑल राइट, क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को? ठीक है, कि आपको यहाँ पे क्रॉस बस करना था, बस इतना ही आपको सोचना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कितना बनेगा बच्चों यहाँ पे, आपका जो n वेक्टर का वैल्यू है आई कैप के साथ में कितना बनेगा, माइनस टू के साथ में, और कितना आ रहा है लिखते जाते हैं एक एक करके, माइनस टू बनेगा, उसके बाद में माइनस ट्वेल्व बनेगा, तो टोटल माइनस फोर्टीन होने वाला है शायद, है ना? सारे बच्चे देखें एक बार ध्यान से। उसके बाद में माइनस जे के साथ में कितना आएगा, माइनस जे के साथ में माइनस फोर, और यहाँ पे प्लस सिक्स हो जाएगा। ये सुनो, माइनस फोर और माइनस सिक्स के आगे एक और माइनस आएगा तो प्लस सिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस टू बचेगा फिर। और के कैप के साथ में कितना आएगा, के कैप के साथ में देखें तो आपके पास में माइनस ट्वेल्व एंड माइनस थ्री, माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री, तो यहाँ पे माइनस फिफ्टीन हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर जो डी आर्स हैं वो बहुत ही क्लियरली नजर आ रहे हैं, माइनस फोर्टीन, माइनस टू एंड माइनस फिफ्टीन, माइनस फोर्टीन, माइनस टू एंड माइनस फिफ्टीन, ये आपके डायरेक्शन रेशोज हैं अलॉन्ग एन वैक्टर। लेकिन यहाँ पर आपने अगर माइनस हटा भी दिए तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, किसी न किसी चीज़ के मल्टीपल होते हैं, तो यहाँ पे आप अगर एक्स्ट्रा माइनस भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा। तो आपके रिक्वायर्ड प्लेन के डी आर्स क्या आ जाएंगे बच्चों यहाँ से, डी आर्स ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन वो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे 14, 2 एंड 15, 14, 2 एंड 15। तो यहाँ पर आपका जो प्लेन है किस फॉर्मेट का होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन आपकी डेफिनेटली इस फॉर्मेट को बिलोंग करेगी, 14x प्लस 2y प्लस 15z प्लस सम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। नाउ द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट d कितना आएगा। उसके लिए उसने अलग से यहाँ पे डेटा आपको दिया हुआ है कि ये प्लेन कहाँ से पास होना चाहिए, 111 से पास होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात है, 111 यहाँ पर डालते हैं, तो 111 डाल के आप देख लो कितना बनेगा, वहाँ से आपके उस d का वैल्यू आएगा, d का वैल्यू इसके अंदर यूज करोगे तो आपके उसमें फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, और क्या आंसर निकल रहा है यहाँ पे, यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आ रहा है दैट इज सी। क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? ऑल राइट, शाश्वत को लग रहा है कि ये तो रिकॉर्डेड कंटेंट है, ऐसे को लग रहा है शाश्वत आपको? ऑल राइट, क्योंकि यहाँ पर बच्चों जब भी मैं सॉल्यूशन एक्चुअली एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम ये है कि अगर सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते करते मैंने आपका चैट पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो या तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस हैं, या फिर यहाँ पे ये भी चांसेस है कि हमें सॉल्यूशन देखने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्विजेस हो रहे हैं, जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं बच्चों, हम कोशिश कर रहे हैं सारे सारे लेक्चर्स आपके लाइव ही हों। ठीक है, और एट सी आएगा पक्का, यस आदिदेव यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप। प्रेरणा अन खुश भी यहाँ पर आंसर बता रहे हैं कि आपका डी का वैल्यू 31 आएगा, बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल सही। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन निकालना तो सीख ही चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कंसेप्ट को थोड़ा और सीखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के बच्चों जो मैं कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे कल के लेक्चर में जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं मैं बार बार रेफरेंस लूँगा स्ट्रेट लाइन्स का। कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन का, वो स्ट्रेट लाइन का जो हमने ज्योमेट्री, कौन सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है 11th क्लास में। ठीक है, आज का डिस्कशन वैसे कहाँ जाएगा, प्लेन और पॉइंट के ऊपर जाएगा। मैं बार बार यहाँ पे रेफरेंस लूंगा जो हम स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाला डिस्कशन करते हैं उसका। ठीक है, आपको टॉपिक्स भी बिल्कुल सेम मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देयर इज अ वेरी गुड सिमिलैरिटी बिटवीन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D। तो उस वजह से हमारे पास जो फॉर्मुलेज निकल के आते हैं वो भी बहुत सिमिलर निकल के आते हैं। तो आई विल नॉट गो इन डिटेल्ड डेरिवेशन ऑफ ईच कंसेप्ट, आई विल फोकस मोर ऑन गेटिंग टू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी विल डिस्कस हियर। ठीक है, अगर आपको डेरिवेशंस चाहिए तो या तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, या फिर आप जो स्ट्रेट लाइंस के डिस्कशन हमने पहले किए हुए हैं उनके ऊपर जाके आप देख सकते हो कि यार इस तरह के जो फॉर्मुलेज हैं उनका डेरिवेशन होता कैसे है। ठीक है, आई गेस इस बात के साथ में सारे बच्चे वैसे खुशी होंगे क्योंकि डेरिवेशंस यहाँ पे आई गेस यहाँ पे 1-2% बच्चे को देखना होता है, बाकी बच्चे तो यही सोचते हैं सर फॉर्मूला बता दो, हमें यहाँ पे बस आंसर निकालते आ जाना चाहिए। ठीक है, सो आई गेस आज के लेक्चर में बच्चे ज़्यादा खुश रहेंगे क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे और थ्योरी डिस्कशन थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो लेकिन स्टार्ट करते हैं प्लेन एंड पॉइंट का डिस्कशन। बच्चों आपके पास में सबसे पहला सिनेरियो तो क्या होगा, जैसे हमारे पास लाइन में भी होता है कि अगर आपके पास अलग अलग पॉइंट्स गिवन है, लेट से आपके पास में ABC पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, और आपके पास में एक प्लेन का इक्वेशन भी है, तो अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं कि यार हाँ यहाँ पे A और C जो है ये अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन है, लेकिन A और B जो है वो सेम साइड ऑफ द प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे पोजिशन ऑफ पॉइंट जो है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन तो है ही, लेकिन वो भी कैसी है, रिलेटिव पोजिशन है। कैसी पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन है, मतलब प्लेन के रिस्पेक्ट में ए और सी का रिलेटिव पोजीशन अपोजिट है।
और ए और बी का रिलेटिव पोजिशन सेम साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में ऑब्वियसली अगर कोई क्वेश्चन आता है पोजिशन ऑफ पॉइंट का, तो आपको ऑब्वियस डेटा तो यहाँ पे गिवन होना चाहिए कि आपको यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन गिवन होना चाहिए जो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। और आपके पास में ऑब्वियसली कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन होना चाहिए जिनकी आप स्टडी करना चाहते हो, ठीक है। क्लियर हो रही है यहाँ पे सारे बच्चों को दिक्कत कि हमें यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या यही चीज़ हमने स्ट्रेट लाइन में करी है? बिल्कुल करी है ना। हम उसी चीज को यहां पर एक्सट्रापोलेट करेंगे। यहां पर हम क्या बोलते हैं कि ऐसा करो कि एक क्वांटिटी एस डिफाइन करो, एक क्वांटिटी एस डिफाइन करो, ठीक है। एस क्या है? प्लेन का जो इक्वेशन है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो आपका एस है। मतलब क्या आएगा ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन एस है। अब यहां पर हम ये बोलेंगे कि अच्छा ऐसा करो एक एक करके इसके अंदर पॉइंट्स सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करो, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, S1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। नोटेशन क्या होता है? S1, S1 क्या इंडिकेट करता है कि आपने S के अंदर कोई स्पेसिफिक पॉइंट डाल दिया, ठीक है। तो S1 कैलकुलेट कर रहा हूं मैं A के कोऑर्डिनेट की मदद से, वैसे ही S1 कैलकुलेट करूंगा B के कोऑर्डिनेट की मदद से, और S1 कैलकुलेट करूंगा C के कोऑर्डिनेट की मदद से। मतलब क्या होगा यहाँ पे, आपके पास में पहले x1 y1 z1 जाएगा, उसके बाद x2 y2 z2 जाएगा, उसके बाद x3 y3 z3 जाएगा s के सब्स्टिट्यूशन में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी बनेगा, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं, यहाँ पे आपके पास में s1 कितना आएगा, ये आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास में नेक्स्ट क्या आएगा, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी, और लास्ट क्या आएगा, ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री प्लस सी जेड थ्री प्लस डी। ये तीनों ही अपने आप में कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज आएंगे, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिकली हम ये पता करते हैं कि अगर अगर यहां पर आपके पास में दो पॉइंट्स सेम साइड ऑफ द प्लेन है तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे कि उन दोनों पॉइंट्स में जब आप एस वन की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो सेम साइन के कॉन्स्टेंट्स जनरेट होते हैं, सेम साइन के कॉन्स्टेंट्स जनरेट होते हैं। साइन मतलब क्या, या तो दोनों प्लस साइन के होंगे या फिर दोनों माइनस साइन के होंगे। कब ऐसा होगा, जब आपके पास में दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्लेन के सेम साइड में लाई कर रहे हैं, और अगर आपके पास में दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्लेन के अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, देन इन दैट केस आपका जो एस वन का वैल्यू आएगा वो अपोजिट साइन का आएगा, ठीक है। एस वन का जो वैल्यू आएगा वो अपोजिट साइन का आएगा। तो बहुत ही आसान है याद रखना, क्योंकि ये काम हम बच्चों बहुत बार कर चुके हैं। अब तो मेरे ख्याल से आप ट्वेल्थ के बच्चे हो या फिर रिपीटर के बच्चे हो तो आपको ये कंसेप्ट पहले से पता होगा, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, यस कबीर बेटा बिल्कुल, इसके बाद में प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन होगा। यहाँ पे अगर किसी को प्रोबेबिलिटी अच्छे से नहीं आती है तो उसने पक्के से यहाँ पे लेक्चर्स अटेंड करना चाहिए, ठीक है। आई गेस सबने यहाँ पे पीएनसी का लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लिया है, ठीक है। पीएनसी हमने बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर पढ़ा हुआ है, अगर इसका मिस हो गया है तो जाके प्लेलिस्ट में वो देख सकता है, ठीक है। और क्योंकि बच्चों को ये पीएनसी का डिस्कशन इसलिए आया क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि यार कहीं ना कहीं पीएनसी और प्रोबेबिलिटी कनेक्टेड है। टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू, लेकिन जो आपका मेजॉरिटी प्रोबेबिलिटी का सेक्शन है दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट टॉपिक इन इटसेल्फ, ठीक है। पीएनसी बहुत ज़्यादा उसमें इंटरवीन नहीं करता है। तो अगर किसी को पीएनसी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तब भी उसने प्रोबेबिलिटी समझने की कोशिश करना चाहिए, इट कैन बी फ्रूटफुल एक्सरसाइज, ठीक है। ऑलराइट, बुक कैसी है? अच्छी बुक है, क्वीन क्वीन क्रिएशन। यहाँ पर हमें आर डी शर्मा के बारे में पूछ रहा है, आर डी शर्मा तो यार बहुत ही बढ़िया बुक है, आप करो उसको, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये अलग कंसेप्ट याद रखेंगे सारे बच्चे, है ना। इसके मैं डिटेल डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज थिंग्स एंड यू एक्चुअली ट्राई टू एक्सट्रापोलेट दीज थिंग्स फ्रॉम द कंडीशंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन स्ट्रेट लाइन्स ऑफ 2D, ठीक है। ऑलराइट, तो एस वन निकालने वाला तरीका हमें आता है, प्लेन की इक्वेशन में बस पॉइंट को डाल देना होता है और कुछ करना ही नहीं है। प्लेन की इक्वेशन में पॉइंट को डाल देते हैं उसी को हम S1 बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे और क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि हम आज डिस्कस करेंगे प्लेन और पॉइंट वाले सिनेरियोस, ठीक है, तो हमारे पास में एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि मैं डिस्टेंस पूछ सकता हूँ कि एक पॉइंट से किसी प्लेन के ऊपर अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है तो कितना दूर है वो पर्टिकुलर प्लेन, ऐसा एक डिस्कशन हम जरूर करना चाहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट डिस्कशन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन,
ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन. अब हम यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला डिस्कस करेंगे यूजिंग द डेटा विच इज अवेलेबल. ठीक है, क्या यहां पर प्लेन का वैल्यू अवेलेबल है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो. बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि 2D में लाइन का इक्वेशन गिवन होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो यहां पर क्या हो गया है? एक्स्ट्रा जेड कंपोनेंट आ गया है. लेकिन एक्स्ट्रा जेड कंपोनेंट यहां आया है तो पॉइंट में भी एक एक्स्ट्रा जेड कंपोनेंट आ गया है. तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का हमारा आइडिया होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसी चीज को बच्चों हम यहां पे फिर से एक बार लगा रहे हैं और कुछ नया काम हम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो देखो कैसा होगा. आपका जो पी डिस्टेंस है दैट इज मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अगर किसी को यह लग रहा है कि सर डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, है ना. ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्ट्रेट लाइंस में हमने बहुत टाइम डिवोट किया है टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे आया. पैरामेट्रिक फॉर्मेट का यूज करके हमने बहुत अच्छा स्ट्रेट लाइंस फॉर्मूला निकाला है. बिल्कुल उसी लॉजिक को अगर आप आगे कंटिन्यू करते हो 3D के अंदर तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव करते आ जाएगा. लेकिन जिन बच्चों ने फॉर्मूला याद किए हुए हैं स्ट्रेट लाइंस के, उनको शायद ये फॉर्मूला देख के अलग नहीं लग रहा होगा. वहां पर क्या होता है? वहां पर ये सी जेड वाला कंपोनेंट नहीं होता है और नीचे सी स्क्वायर नहीं होता है. यहां पे 3D में चीजें चल रही हैं तो Z वाला कंपोनेंट आएगा. ये तो हमें बहुत पहले से पता है, जब से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ते आए तब से पता है. ठीक है, तो बस यहां पे यही हुआ है, एक्स्ट्रा CZ वाला पोर्शन आ गया है, एक्स्ट्रा C स्क्वायर आ गया है. बाकी जो फॉर्मूले का अरेंजमेंट है वो 2D वाले स्ट्रेट लाइंस वाला ही है. क्लियर है? ऑलराइट. अगर किसको फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे पहले उसने यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, सारे बच्चे जिनको याद नहीं है. और अगर आपके उसमें पेन और पेपर है तो इसको लिख लो, क्योंकि आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर आपको इसका यूज करना होगा. ठीक है, P इज इक्वल टू मॉड के अंदर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. मतलब किया क्या है, आपने जो पॉइंट दिया हुआ है वो प्लेन की इक्वेशन में डाल दिया और फिर जो आपके कोएफिशिएंट्स थे ए बी सी उनके स्क्वायर के सम से डिवाइड कर दिया. ठीक है, क्लियर हो रहा है? ऑलराइट. और देखिए आगे नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट इज कि अगर आप बिल्कुल सेम सिनेरियो इमेजिन करो, आपके पास में एक प्लेन का इक्वेशन है, आपके पास में एक पॉइंट अलग से दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप देते हो तो एक पॉइंट मिलेगा आपको जिसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर. उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला जा सकता है. ठीक है, विच इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस आए भी हैं एग्जाम में. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी वांट टू स्टडी नेक्स्ट, कि अगर कोई आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोलेगा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए प्लेन तो आप कैसे कर सकते हो. अब यहां पर कुछ बच्चे जो है वो मेथड अडॉप्ट करते हैं, लेकिन यहां पर फॉर्मूला देख लो. फॉर्मूला आपको अगर पता नहीं है स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन के लिए आप बस यहां से क्या करो, जो जेड कंपोनेंट है वो हटा दो तो स्ट्रेट लाइन्स वाला फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, सो वॉट वी डू हियर इज वी राइट इक्वेशन समथिंग लाइक दिस. यहां पर फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं किसके लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको. लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी एम. ठीक है, तो ये एम पॉइंट हम निकालना चाहते हैं. आपने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है और M का कोऑर्डिनेट आप निकालना चाहते हो. कोऑर्डिनेट ऑफ M जो है वो यहां पर मान के चल रहा हूं मैं X, Y, Z है जो हमें फाइंड करना है. A के कोऑर्डिनेट्स जैसे कि आप यहां पे क्वेश्चन में देख पा रहे हो, A के कोऑर्डिनेट्स तो X1, Y1, Z1 दिए हुए हैं. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगता है आपका M का वैल्यू निकालने के लिए? जो फॉर्मूला लगता है इट गोज समथिंग लाइक दिस. आप ऐसा कुछ लिखोगे, x माइनस एक्स वन अपॉन ए. ए क्या है? x का कोएफिशिएंट है. ठीक है, वैसे ही आपके पास में क्या आएगा, y माइनस वाई वन अपॉन बी. बी क्या है? y का कोएफिशिएंट है. एक्स वन वाई वन क्या है? ये जो जहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप दे रहे हो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं. इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी. अब स्ट्रेट लाइंस में ये वाला कंपोनेंट नहीं होता था क्योंकि वहां पे z कंपोनेंट का डिस्कशन ही नहीं होता था. वहां पर हमें केवल 2D में डिस्कशन करना होता है. इज इक्वल टू क्या लिखना है? ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये किसके इक्वल हैं? ये तीनों वैल्यूज माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है. ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, आप यहां पे ध्यान दो. अगर किसी ने फॉर्मूला पहले यूज नहीं किया तो उसको समझा देता हूं कि यहां पे आपको कैलकुलेशन कैसे करनी होगी. यहां पर पहली बात ये नोटिस करो कि आपके पास में x1 y1 z1 गिवन क्वांटिटीज हैं, आपके पास में a b c d भी नोन क्वांटिटीज है क्योंकि प्लेन का इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स है वो. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर लास्ट वाला पोर्शन है ये तो कोई कॉन्स्टेंट हमेशा बनेगा ही बनेगा, है ना. आपके पास में a b c d नोन वैल्यूज हैं, आपके पास में x1 y1 z1 भी नोन वैल्यूज हैं. हम यहां पर करेंगे क्या, हम यहां पर x वाले को लास्ट कॉन्स्टेंट से कंपेयर करेंगे, उसके बाद वाई वाले को लास्ट कॉन्स्टेंट से कंपेयर करेंगे, जेड वाले को लास्ट कॉन्स्टेंट से कंपेयर करेंगे और एक्स वाई जेड
जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उसके लिए सॉल्व करेंगे. डायरेक्टली यहाँ पर आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का आंसर निकल के आता है. सो इट इज़ नॉट एज एडवाइजेबल टू यूज़ एनी अदर प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करना, और कोई यहाँ पे मुश्किल बात भी नहीं है याद करने में, याद भी बहुत आसानी से हो जाता है. ठीक है, और जिनको स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला नहीं है उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा टिप दे देता हूँ. ये जेड वाला वैल्यू हटा दो यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से भी ये जेड वाला वैल्यू, ये सी वाला वैल्यू हटा दो, तो आपका यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, जो यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट होगा वो लाइन 2D में लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? ऑलराइट, चलो. तो आई गेस ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया हमारा आज का. तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, आई गेस आपको अगर फ्लो समझ में आया है तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार, तीसरी चीज जो हम वहां पर डिस्कस करते हैं लाइन वाले चैप्टर में वो क्या है, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन. अगर आपके पास में प्लेन जो दिया हुआ है वो अगर प्लेन मिरर जैसा काम करेगा, प्लेन मिरर जैसा काम करेगा, तो किसी पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है, उसका इमेज का जो यहां पे कोऑर्डिनेट आएगा, लेट अस कॉल दिस पॉइंट बी, वो कितना होगा. अब जैसे हमारे पास में फुट ऑफ परपेंडिकुलर m निकालने का अलग से फॉर्मूला है, वैसे ही हमारे पास इमेज निकालने का भी फॉर्मूला है. सो डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग एल्स, ट्राई टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, ट्राई टू लर्न कि यहां पर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं. ठीक है, और आपके पास आंसर सही से निकल के आएगा हमेशा. क्लियर है? ऑलराइट सर, डायरेक्शन रेशो से जनरल पॉइंट से निकाल सकते हैं. यस मनीषा, बिल्कुल सही बेटा. यहां पर आप जो बोल रहे हो मैं भी यही बोल रहा हूं कि वो करने की जरूरत नहीं है, है ना. आप जो बोल रहे हो, आप मेथड बता रहे हो विच इज ऑब्वियसली करेक्ट. आप अगर उसको वेरिएबल्स के फॉर्मेट में सॉल्व करके रख दोगे ना, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है, इमेज ऑफ ए पॉइंट का अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो आप यहां पे देखोगे कि हमने जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला निकाला है उसमें और इमेज के फॉर्मूले में बहुत माइनर सा डिफरेंस है. इसका फॉर्मूला कैसे आएगा आपके पास में, अगर बी जो है कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो है उसको अगर मैं यहां पे x, y, z मानता हूं, ठीक है, देन इन दैट केस आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या देगा आपको, x-x1/a इज इक्वल टू y-y1/b इज इक्वल टू z-z1/c इज इक्वल टू -2 times ऑफ, दिस इज द ओनली डिफरेंस. यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 आता है, -2 times ऑफ ax1+by1+cz1+d/a² + b² + c². ठीक है, ऑल राइट. सो दिस इज वॉट वी विल गेट. यहाँ पर आप चाहो तो एक बार फिर से फॉर्मूलेस देख लो. आपके जो पहले तीन कंपोनेंट्स हैं ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के और इमेज के सेम है. ठीक है, आपका जो लास्ट वाला कांस्टेंट कैलकुलेट करने वाला फंडा है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहां पे एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई कर दिया. ऐसा क्यों हो रहा है, स्ट्रेट लाइंस के डेरिवेशन में हमने ये देखा था, क्योंकि आपका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो अगर यहां पे डी डिस्टेंस पे है तो आपका इमेज एक्चुअली 2D डिस्टेंस पे होता है. और ये जो RHS में आपको ये क्वांटिटी नजर आ रही है ये एक्चुअली डिस्टेंस ही है. आपने क्या कर दिया, उसको डिस्टेंस को डी के प्लेस में 2D कर दिया, तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम तक जाने के प्लेस में और आगे निकल गए और इमेज तक पहुंच गए. ठीक है, दैट इज द बेसिक लॉजिक हियर. ऑलराइट, सो आई विल अगेन गेट आउट ऑफ द स्क्रीन. बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को लिखना है तो लिख भी सकता है इस चीज को. ये इमेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है. क्या करेंगे फिर से, यहां पर हम x के कंपोनेंट को डायरेक्टली कांस्टेंट वाला लास्ट जो टर्म है उससे कंपेयर करेंगे, फिर y वाले को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे और z वाले को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे. ऑलराइट, सो आई गेस दीज वर द थिंग्स दैट वी वांटेड टू डिस्कस टुडे, है ना. यहां पर आप डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, एक बार इन सबको यूज करके देखते हैं क्वेश्चंस में, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार ये फॉर्मुलेस वर्क करते हैं और हमें फॉर्मुलेस के अलावा और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पर सोचना नहीं चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है, जैसे कि हम सेंट्रोइड निकालना होता है, सेंट्रोइड निकालने के लिए हम कुछ और सोचते थोड़ी हैं, हमारे पास जो फॉर्मुला है उसको अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सेम गोज विद दीज क्वेश्चंस. तो हमने बच्चों यहां पर जो पॉइंट और प्लेन का डिस्कशन स्टार्ट किया है उसके अंदर हमने चार टॉपिक्स यहां पर डिस्कस किए हैं. ठीक है, एक तो पोजिशन ऑफ पॉइंट, उसके बाद में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसके बाद इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कितना है यहां पे फॉर्मूला बनता है और इमेज का कितना फॉर्मूला बनता है. ठीक है, कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये सारी चीजें यूज करनी है. लेट अस ट्राई इट आउट. आपके सामने 2006 का एडवांस का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. ठीक है, और ये देखो यहां पे एडवांस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर आ जाएगा. बट व्हाट यू कैन सी हियर इज कि यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव धीरे धीरे हो जाएंगी चीजें, क्योंकि अब डिफिकल्ट अगर चीजों को बनाना है तो डिफिकल्ट तो बना ही नहीं पा रहे, कंसेप्ट तो बहुत ही आसान है. तो अगर यहां पे आपको एडवांस लेवल का कोई क्वेश्चन बनाना है तो वो एक ही काम कर पाते हैं कि वो चीजों को लेंदी बना देते हैं.
ठीक है, क्योंकि 3D का क्वेश्चन पूछना भी है और डिफिकल्ट भी पूछना है, तो डिफिकल्ट करने का तरीका है नहीं तो लेंदी कर दो, ठीक है. सो दैट्स वॉट यू विल ऑब्जर्व इन ऑल सच क्वेश्चन, ठीक है. क्लियर हुआ सारे बच्चों को? अच्छा, यहाँ पे नस्तला एक बच्चा है जो बोल रहा है कि फॉर्मूलेज याद करने में दिक्कत आ रही है. ऑल राइट, तो फॉर्मूलेज याद करने में अगर दिक्कत आ रही है तो यार थोड़ा सा वहाँ पे आपको रिपीटेशन ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है. आप सारे फॉर्मूलेज की एक अलग से बुकलेट बना लो, एक छोटी कॉपी बना लो, उसके अंदर अगर आपके फॉर्मूलेज लिखे हुए रोज़ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रिवाइज़ करते रहा करो, जैसे यहाँ पे बायो के बच्चे करते होंगे शायद, हालांकि यहाँ पे आई डोंट थिंक बायो का कोई बच्चा होगा, लेकिन वहाँ पे भी क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो आप जितना कंटिन्यूसली रिवाइज़ करते हो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है. ऐसा मेरे ख्याल से आपने केमिस्ट्री में भी करना चाहिए अगर नहीं करते हो तो. ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया है, अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स दिस एंड दैट पासेस थ्रू दिस, देन द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम दिस. तो यहाँ पर आपको बच्चों जो पहला वाला पोर्शन लगेगा वो तो ऐसा लगेगा जैसे कि हमने होमवर्क क्वेश्चन जो किया था वो एग्जैक्टली यही था, होमवर्क क्वेश्चन यही तो था. अगर मैं यहाँ से ये लास्ट वाला स्टेटमेंट हटा देता हूँ तो एग्जैक्टली वही करेंगे जो हमने आज होमवर्क क्वेश्चन में सीखा, लेकिन आगे डिस्टेंस निकाला पूछ लिया इसने. मतलब क्या किया बेसिकली, उसने दो अलग अलग क्वेश्चन को मिक्स करके दे दिया, मतलब क्वेश्चन को लेंदी बना दिया, ठीक है. तो अब यहाँ पे काम करना पड़ेगा हमें. प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स, फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन, तो क्या करना होगा आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन का एन वेक्टर है. अब यहाँ पे सब कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको होमवर्क क्वेश्चन में ड्रॉ करके दिखा दिया है कि एन वेक्टर कैसे आता है, दोनों जो आपके गिवन प्लेन से उनके नॉर्मल्स का क्रॉस करके आता है, ठीक है. सो लेट अस डायरेक्टली राइट द डिटरमिनेंट एंड सेव सम टाइम हियर, ठीक है. तो आपके पास में आई जे के साथ में क्या लिखा जाएगा, वहाँ पे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स कितने बच्चों, 2, -2 एंड 1, और वैसे आपके यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कितने हैं, 1, -1 एंड 2. तो जैसे आप इसका क्रॉस निकालोगे आपके पास में रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल आ जाएंगे डायरेक्टली. बहुत ही बढ़िया बात है. कितना आ जाएगा ये, -4 एंड +1, कितना आ जाएगा, -4 एंड +1, मतलब -3 आ जाएगा. उसके बाद में माइनस जे के साथ में कितना है ज़रा देखा जाए, माइनस जे के साथ में आपका आएगा 4 -4 -1, मतलब यहाँ 3 आ जाएगा. और k कैप का साथ में कितना आएगा देखें ज़रा, k के साथ में आ जाएगा आपका -2 एंड +2, है ना, ये -2 हो गया और ये -2 हो गया तो +2 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा. तो आपका यहाँ पे जो प्लेन बनने वाला है उसके drs हमें पता चल गए, ठीक है, drs ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन कितने हो जाएंगे, जो हमने यहाँ पे नॉर्मल के वैल्यू निकाली है उनके आई जे के कोएफिशिएंट्स को ध्यान से देख लें, तो कितना है, -3 -3 0, लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो, ये जो drs हैं इनको आप -3 से डिवाइड कर सकते हो, कर दो, यहाँ पर बनेगा क्या, आपको फिर से नया dr मिलेगा, वो dr भी सही है, ठीक है. तो रिक्वायर्ड प्लेन के drs जो हैं उसको आप एक्चुअली ऐसे लिख सकते हो, 1, 1, 0, 1, 1, 0, और ये कहाँ से पास होना चाहिए, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दीज प्लेन्स पासेस थ्रू दिस, ठीक है, इस पॉइंट से पास होना चाहिए. तो अब रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या निकल के आएगा, हमारे पास में dr से हमारे पास में पॉइंट है, तो कैसे लिखते हैं, 1 into x minus 1 plus 1 into y plus 2, ठीक है. डायरेक्ट फॉर्मूलेस का बच्चों एप्लीकेशन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसी के ऊपर हम यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है. और जीरो के साथ में कुछ भी आए मल्टीप्लीकेशन में क्या फर्क पड़ता है, चलो लिख लेते हैं, तब भी यहाँ पे z माइनस वन आएगा इज इक्वल टू जीरो. तो बना क्या है यहाँ पर आपके पास में, आपके पास में जो इक्वेशन बना है विच इज x plus y plus 1 is equal to 0, ऐसा हमारा इक्वेशन अभी बना है. चेक कर लें सारे बच्चे एक बार, डी आर आई का आंसर, बहुत बढ़िया बच्चों, आई गेस डी इसका करेक्ट आंसर है, 2√2, बहुत बढ़िया. मैंने यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन तक कैलकुलेशन कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा, है ना. 1 to 1 अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो कितना कैलकुलेशन के बाद आंसर आना चाहिए, लेट अस चेक इट आउट, ठीक है. 1 to 1 तो कितना हो जाएगा, 1 to 1 4/√2, हाँ सही है ना. तो आपके पास में प्लेन का इक्वेशन है x + y + 1 = 0, आपके पास में पॉइंट ए है, लेट अस कॉल इट पॉइंट ए, कितना है, 1 to 1. तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला ये बोलता है कि आपको अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो आप ये पॉइंट उसके अंदर डालो, तो ये बनेगा 1 + 2, z डालने की जगह है नहीं तो कोई डालने की जरूरत नहीं है. नीचे क्या आ जाएगा, जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम, ठीक है. तो 1 + 1 यहाँ पर आएगा, साथ में z है नहीं तो 0 है वो, ठीक है. तो कितना बन गया ये, 4/√2 विच इज 2√2. सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन आप देखो यहाँ पे एडवांस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है,
ठीक है, 2√2 यहां पर आपका आंसर बन रहा है, 2√2 बन रहा है बच्चों, ठीक है, तो डी आंसर इसका आएगा। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आपको, है ना, कि यहां पे क्वेश्चंस बनने लायक होते हैं, बहुत ज्यादा यहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले किसने बताया, मनीषा ने बताया था, ऑलराइट मनीषा, बहुत बढ़िया, ओके, चलो तो इसी के आगे बढ़ते हैं यहां पे और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास एडवांस में आए थे, ठीक है। यहां पे एक बच्चा है, कौन है वो, विश्वास दिख रहा था शायद मुझे, ऑलराइट, विश्वा विश्वा विश्वा, अगर आपने लेक्चर स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो पहले लेक्चर स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि लेक्चर जो हमने स्टार्टिंग किया था एक होमवर्क क्वेश्चन से किया था जो एग्जैक्टली इसी का छोटा वर्जन था, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। वहां पे आपको समझ में आएगा कि हमने डायरेक्टली ये डिटर्मिनेंट लिख कैसे दिया और क्यों लिखा, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास में। ऑलराइट, सो वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम 2010, लेट अस सी, यहां पे फाइनली पूछ क्या रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे तो टाइम लग जाएगा, हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला यूज करते आना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस इज 5। अच्छा, तो यहाँ पे दो टाइप की मेहनत करा रहा है, यहाँ पे फिर से मतलब दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि अल्फा का वैल्यू कितना, अल्फा का वैल्यू कितना अगर यहाँ पे डिस्टेंस 5 के बराबर है तो, लेकिन वो छोटा क्वेश्चन होता, वो सिंपल हो जाता, तो उन्होंने उसके बाद क्या पूछ लिया कि अब ये जो प्लेन बना है उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा अगर मैं पी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालता हूं तो, ठीक है। ओके, तो लेट अस ट्राई टू डू इट। यहां पर हम पहले तो अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप करोगे कैसे इसको सॉल्व, आपका जो प्लेन का इक्वेशन है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y माइनस 2z माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना। हमें सब कुछ एक साइड लेके आने की आदत होनी चाहिए, तो हम अल्फा भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाए। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है, आपका ये जो है ये तो प्लेन है, इसको अगर मैं पी लिख रहा हूं तो थोड़ा सा रिपीटेशन हो रहा है, लेट अस राइट प्लेन ही है, ठीक है। और आपका जो पी पॉइंट है क्वेश्चन में दिया हुआ, दैट इज 1, -2, 1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमने अभी अभी याद किया है, तो उसको अप्लाई किया जाए कि आपका डी का जो वैल्यू है वो कितना होता है, ax1 + by1 + cz1 + d / a² + b² + c², मतलब क्या है, ये पॉइंट उठा के आपको प्लेन की इक्वेशन में डाल देना है। तो यहाँ x के प्लेस में 1 आएगा, उसके बाद में y के प्लेस में -2 आएगा तो ये -4 हो जाएगा, और z के प्लेस में यहाँ पे 1 आएगा तो ये -2 हो जाएगा। माइनस अल्फा अलग से कॉन्स्टेंट है, अंडर रूट के अंदर क्या क्या आएगा, नीचे अंडर रूट के अंदर नीचे आएगा आपका उसमें 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब ये क्या होने वाला है, अंडर रूट सॉल्व होकर 3 बनने वाला है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू 5 के बराबर दी हुई है, यहां से हमें अल्फा निकालना है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। यहां पर आपके पास में कैलकुलेशन से क्या आ रहा है, ये हो जाएगा टोटल -6 -5 -5 - अल्फा का मॉड इज इक्वल टू ये 3 बन के उस साइड चला जाएगा तो 15 बनेगा। आपको यहां पर अब बेसिकली मॉड के अंदर माइनस हटाया देते हैं तो भी चलता है, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट अल्फा प्लस फाइव इज इक्वल टू 15 आपको सॉल्व करना है, एक ही बात है, कुछ यहां पे अलग नहीं है, ठीक है। तो अल्फा प्लस फाइव का मॉड इज इक्वल टू 15 आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर अल्फा की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, अल्फा की एक तो वैल्यू बच्चों यहां पे -20 आ सकती है, या फिर अल्फा की वैल्यू यहां पे 10 आ सकती है। दोनों यहां पे एक्चुअली मॉड के लिए तो सही है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया है कि आपका अल्फा का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑल्दो यहां पर आपके पास में ये बनेगा α + 5 = ± 15, और यहां से आपके अल्फा के दो आंसर निकल के आएंगे विच इज 10 एंड -20। वॉट वी विल टेक एंड वॉट विल निगलेक्ट, विल निगलेक्ट -20 एंड वी विल टेक +10 एज द पॉसिबल वैल्यू। जैसे आपको +10 पता चल गया, आपका प्लेन का एक एग्जैक्ट इक्वेशन आ गया। यहाँ पर आप क्या लिखना स्टार्ट कर रहे हो, अभी प्लेन की इक्वेशन में अल्फा के प्लेस में 10 लिखना स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया बात है। अब आपके पास में प्लेन का पूरा इक्वेशन है, आपके पास में पॉइंट पी है, सो लेट अस ट्राई टू अप्लाई द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कितना आंसर निकल के आने वाला है, कौन कौन बता रहा है, यहाँ पे खुशबू आंसर बता रही है, यश आंसर बता रहा है, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, सबसे पहले ए, ऑलराइट कबीर ने बताया आपके बारे आंसर, ठीक है। हाँ, प्लस माइनस होता है विषय, बिल्कुल सही बेटा, उसमें से एक आपको निगलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। प्रथम भी है यहाँ पे फैल्कन, ओके। तो कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, ठीक है। ऐसे सारे बच्चे अगर करते रहेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा उनका। तो लगाते हैं बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर, लेट अस ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो फॉर्मूला कैसे बनता है, एक्स माइनस एक्स वन, कहाँ से डाल रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर, इस पी पॉइंट से डाल रहा हूँ, वन माइनस टू वन से, वन माइनस टू वन से, तो वन आएगा, नीचे कितना आएगा पता नहीं, वन माइनस टू एंड वन, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बनने वाला है, न्यूमरेटर हमने लिख दिया, फॉर्मूला याद है क्या सारे बच्चों को, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। इतना तो हमारे पास आ गया, नीचे के जो ए बी सी के वैल्यूज है वो कहाँ से आएंगे, प्लेन की इक्वेशन से आएंगे, वन टू एंड माइनस टू, ऐसा आने वाला है, वन टू एंड माइनस टू आने वाला है। आपका इक्वल टू में कितना आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, माइनस ऑफ कितना आता है, माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पर ध्यान दे कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आता है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आता है। ऑलराइट, आकाश को क्या दिक्कत आएगी, इतने सारे कैप्स लॉक में कुछ कुछ लिख दिया बच्चे ने, नॉट अप टू टुमारो, शुड आई गो टू टुमारो पेपर के वे, नहीं यार एक बार जाना ज़रूर चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे ने के वी पी वाई का फॉर्म भरा है तो उसने एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो भी आपने क्या करना है, आपने अपना बेस्ट देना है ना, क्योंकि ये दिक्कत तो आपकी बोर्ड्स के पहले भी आ सकती है कि आपने बोर्ड्स में अच्छी तैयारी नहीं करी तो क्या बोर्ड्स देने नहीं जाओगे, है ना, ऐसा कभी नहीं होता है। आपने अगर फॉर्म भरा है, जिसने फॉर्म भरा ही नहीं, जिसको पता ही नहीं था के वी पी वाई क्या होता है उसकी बात अलग है, ठीक है, लेकिन जिसको पता है, जिसने फॉर्म भरा है, उसने कुछ तो यहाँ पे मेहनत की होगी, डजेंट मैटर वो अप टू द मार्क है कि नहीं। और ये कभी मत सोचो कि वो वहाँ जाने से आपके तीन घंटे बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको एग्जाम एनवायरनमेंट में खुद को जज करने को मिलेगा कि आप वहाँ पे किस तरह की गलतियाँ कर रहे हो, क्या आप वहाँ पे भी अपना दिमाग शांत रख के कुछ अच्छे से सोच पा रहे हो क्या, ठीक है। सो डोंट डू दैट, है ना, कभी भी अगर आपको मिलता है चांस तो आपने एग्जाम जरूर अपियर करना चाहिए, ठीक है। एंड सेम गोज विद द टेस्ट सीरीज, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार संडे को मेरा टेस्ट है लेकिन जो सिलेबस है वो मैंने ठीक से पढ़ा हुआ नहीं है तो मैं टेस्ट स्किप कर देता हूँ, बाद में कभी दूंगा, वो बात कभी आता नहीं है, ठीक है। कोशिश इंस्टेड हमें उल्टा करना चाहिए कि टेस्ट सीरीज में जो सिलेबस है वो कुछ भी करके मैं जितने अच्छे लेवल तक है उतना अच्छे से प्रिपेयर करूंगा और टेस्ट सीरीज में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑलवेज थिंक द अदर वे अराउंड। ऑलराइट, तो हमारा प्लेन का इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे लिख लूँगा तो शायद ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, बार बार पीछे पलटना नहीं पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है हमारे पास में वो कितना है बच्चों, एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड, एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड, और साथ में हमारा जो माइनस अल्फा है वो कितना हो गया, माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमारा पॉइंट भी आएगा, मैंने लिख लिया, तो यहाँ पर पॉइंट जो है हमारा वन माइनस टू वन, वन माइनस टू वन, यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, वन डालेंगे, माइनस टू डालेंगे एंड वन डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हो रहा है और माइनस टेन आ जाएगा साथ में, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा कितना, नाइन। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर आपको बोल रहा था, जब भी आपके उसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अप्लाई करने का टाइम आएगा, प्रीवियस वीडियो के डाउट कैसे पूछ सकते हैं, हाँ यार मनोज ये बहुत ही मतलब दिक्कत वाली बात है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आपके कोशिश क्या होनी चाहिए कि आपने लाइव ही लेक्चर्स अटेंड करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया आकाश, जाओ आराम से एग्जाम देके आओ, है ना, ऐसे क्या टेंशन ले रहे हो, विदाउट फाइंडिंग अल्फा भी हो जाएगा। ऑलराइट, जयप्रकाश सिंह, अल्फा फाइंड करने की जरूरत नहीं, विदाउट अल्फा भी हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक बार जयप्रकाश एक बार वैसे भी करके देखो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पहले अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे सामने होगा तो ज़्यादा फायदा होगा। आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये यहाँ पे चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ऐसे कुछ शायद आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट आई हैव नॉट डन दैट वे, अगर आपने किया है तो बहुत बढ़िया किया है आपने। ऑलराइट, 12 के 12th के कंटेंट में बहुत अच्छी है पर थोड़ी डिसलाइक, अच्छा ओके मनीषा, 12th का कंटेंट अच्छा है आपका, हाँ तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, आपका 12th का अगर कंटेंट अच्छा है मतलब आपको कैलकुलस पूरा आता है, ठीक है। आपका अगर 11th का कंटेंट अच्छा नहीं है तो किसी का भी एक्चुअली बहुत अच्छा होता नहीं है, क्योंकि 11th में आप पहली बार पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि आपको कितने इंटेंसिटी के साथ में एक्चुअली सारे चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करना है, तब तक आपके तीन चार चैप्टर कंप्लीट हो चुके होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, बायनोमियल, यहाँ तक आते आते हमें समझ में नहीं आता कि पढ़ाई चल क्या रही है, ठीक है। तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे सारे आपके प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल हैं, आप तो जाके वीडियोस देखो और अपना सारे जो है टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर बच्चों क्या बन रहा है आपके पास में, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये माइनस 16 हो जाएगा, प्लस 1 करके माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 के बाहर माइनस लगा हुआ है तो प्लस 15 हो जाएगा, 15 अपॉन 9 कितना हो जाएगा आपके पास में, 5/3 हो जाएगा,
5/3 यहाँ पर आपका कांस्टेंट बन रहा है। अब एक एक करके यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, एक्स वाले को 5/3 से कंपेयर करके देखो कितना आ जाएगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कुछ आएगा नहीं यहाँ पे, प्लस 1 जाएगा उस साइड, तो यहाँ पर आपके इसमें आ जाएगा 8/3। कितना आएगा एक्स का वैल्यू, 8/3 आपका एक्स का वैल्यू निकल के आएगा। कहाँ कहाँ दिख रहा है, बस यहीं दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है। इसके आगे मतलब सॉल्व नहीं भी किया तो भी आप यहाँ पे ए आंसर मार्क करके एग्जाम में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने कैलकुलेशन में भरोसा नहीं है, आपको लग रहा है नहीं एक बार और मैं चेक करके देखता हूँ कि क्या मेरा वाई का वैल्यू भी सही आ रहा है, तो वाई का वैल्यू भी करके देखो। यहाँ पर आप क्या करोगे, वाई प्लस 2/2 को 5/3 से कंपेयर करोगे, ठीक है। वाई वाली वैल्यू मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ पर y कैलकुलेट करने के लिए y प्लस 2/2 को 5/3 से अगर इक्वेट करेंगे तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये 10/3। माइनस 2 अगर उस साइड ले जाएंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके उसमें, 4/3 ऐसा कुछ तो आ रहा है, विच इज़ एग्जैक्टली वॉट इज गिवन हियर। तो हमें और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर किसी को अभी और भी कॉन्फिडेंस चाहिए तो उसने यहाँ पे z भी निकाल के देखना चाहिए, z का वैल्यू -7/3 आपका अल्टीमेटली बन जाएगा। क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को, ठीक है। ऑल राइट, 4/3 शुभ, एक बार फिर से ध्यान से देखो बेटा, 5/3 आएगा शायद। एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लें सारे बच्चे यहाँ पे। कितने लेक्चर्स बाकी हैं, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है मोहित, कितने लेक्चर्स बाकी हैं, है ना। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि जल्दी ख़त्म क्यों करना है, आपको पहले ज़्यादा समझने में फोकस करना है या जल्दी ख़त्म करने में फोकस करना है, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आई गेस यहाँ पर अगर हम जल्दी कवर करेंगे तो आपको बाद में रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे ठीक से पढ़ानी है, ठीक है। सो उल्टा करना ज़्यादा फायदेमंद है कि हम यहाँ पे 3D जब पढ़ रहे हैं तो इतने अच्छे से पढ़ लें कि आगे 3D रिवीजन में आना ही नहीं चाहिए। 3D अगर रिवीजन में नहीं आएगा तो भी चलेगा, आप तो आज से ही रेडी हो एग्जाम के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। और रेडी हो कि नहीं, आई गेस बिल्कुल रेडी हो। 2010 में अगर आपने पेपर दिया होता तो आपसे ये क्वेश्चन बन गया होता, ठीक है। लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन, है ना। और एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, और तो ये 2005 में आया था, काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पर एक्चुअली आपसे पूछा क्या गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। यहां पर प्लेन और लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछा है उसने, पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस नहीं पूछा है, इसने प्लेन और लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछा है। सारे बच्चे एक बार सोच के देखें, इसके अंदर जो चेंज हुआ है वो हमें कहीं दिक्कत दे रहा है या अभी भी हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलराइट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें निर्भय। ऑलराइट अशोक विलंबे, सर मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे दो। अच्छा, कहाँ पर, टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर मैं आपका नाम सर्च कर लूँगा बेटा, है ना अशोक। ऑल राइट, अच्छा ये कौन है, शक्ति, शक्ति बोल रहा है मुझसे क्लास में क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन टेस्ट में क्वेश्चन होते नहीं है। हाँ तो शक्ति, एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम बहुत बच्चों के साथ में आती है, और आई गेस एक दो मिनट में निकाल के आपको बता ही देता हूँ कि इस प्रॉब्लम का मेन जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहे तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आप मैथ्स को एक्चुअली उतना टाइम दे ही नहीं रहे हो जितना देने की जरूरत पड़ती है। अगर आप 3 घंटे का पेपर देते हो तो कम से कम आपको 1 घंटा 10 मिनट मैथ्स को देना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन होता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आप थोड़ा थोड़ा टाइम बचा सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में शायद उतना कैलकुलेशन नहीं होगा, आपको लॉजिकली भी आंसर निकालते आ जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज कीप सम एक्स्ट्रा मिनट्स फॉर मैथमेटिक्स पेपर। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप तीनों सब्जेक्ट इक्वल लेवल पे कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। जेन्युइन इशू है यहां पे मैथ्स में कि आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप यहां पे 1 घंटा 10 मिनट नहीं दे रहे हो तो आपके मैथ्स के नंबर कम आएंगे ही आएंगे, तो उसको देख के पहली बात टेंशन मत लो। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो अगर आपने अगर ये नोटिस कर लिया कि मैंने टाइम ही नहीं दिया था, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट सही करो ड्यूरिंग टेस्ट पेपर, ठीक है। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने सफिशिएंट टाइम दिया था तब भी मेरे नंबर नहीं आते हैं, देन यू जस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग ना। यही तो आपको करना है, जो रेगुलर टेस्ट सीरीज देने का यहाँ पे लॉजिक है वो यही तो है कि बच्चों को यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि वो गलतियाँ क्या क्या कर रहे हैं। बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलती करते हैं कि आपके पास में 25 सवाल हैं, अभी मेंस का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, पहले 30 सवाल होते हैं, अभी तो यहाँ पे 25 सवाल हो गए, ठीक है। आपके पास 25 सवाल हैं, तो 25 सवाल में आपने पता चला कि 10 सवाल जो अटेम्प्ट किए उसमें से 8 सवाल तो डिफिकल्ट वाले थे। हर पेपर में कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, तो आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि यू अटेम्प्ट ओनली द इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेपर बहुत अच्छे तरीके से पूरा देखना पड़ता है, उसके बाद में आपको पेपर में नंबर लाते आते हैं। सब्जेक्ट रेडी करना एक अलग बात होती है और पेपर में नंबर लाना एक अलग बात होती है, ठीक है। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। अगर आपको सारा सब्जेक्ट आता भी है तब भी ऐसी पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ पे टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाओगे, उसके लिए अलग से एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, हर संडे आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो डू दैट एक्सरसाइज एवरी संडे, हर संडे पेपर दो और उसका एनालिसिस करो कि हम कहाँ एक्चुअली फॉल्टर कर रहे हैं, फॉल्ट्स पता चलेंगे तभी उनको रेक्टिफाई किया जाता है। तो वापस आ जाता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है।
आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि आपके पास में एक लाइन दे दी गई है और एक प्लेन दे दिया गया है और इनके बीच में डिस्टेंस पूछा है। अब यहाँ पे देखते से मुझे समझ में आता है यार, अगर यहाँ पे समहाउ लाइन और प्लेन पैरेलल नहीं हुए, अगर लाइन और प्लेन पैरेलल नहीं हुए तब तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब तो यहाँ पर उनका बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। जीरो ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, मतलब देखते से हमें समझ में आया कि यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा होगा वो कैसा बन रहा है कि आपका जो प्लेन है और जो आपका लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, आपका प्लेन और आपका लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आती है। इस चीज़ को हम एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं। कैसे कंफर्म करेंगे, लाइन की इक्वेशन में लैम्डा के साथ में जो लिखा हुआ होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में आप देख पाओगे कि आपका जो डायरेक्शन वेक्टर डी वेक्टर है वो कितना आ रहा है लाइन का, आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप। ठीक है, उसके बाद प्लेन की इक्वेशन को स्टडी करते हैं, आपके साथ में यहाँ पे आर डॉट जो होता है वो क्या होता है, आर डॉट एन वेक्टर होता है। एन वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा प्लेन के। ठीक है, तो आपका एन वेक्टर जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अवेलेबल है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ऑलराइट, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि इन दोनों का डॉट जीरो आ रहा है, किसका, एन वेक्टर का और डी वेक्टर का, तो ये वाकई प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों फिगर्स आपस में पैरेलल हैं। तो एक बार करके देख लेते हैं, यहाँ पर आपके उसमें आई कैप वन बनाएगा, फाइव और माइनस माइनस फाइव बनाएगा, के और के फोर बनाएगा, तो इनका डॉट वाकई जीरो आ रहा है। क्या हमने नोटिस किया यहाँ पे कि एन वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो, विच प्रूव्स कि यहाँ पे हमने जो प्लॉट किया है वो बिल्कुल सही है, आपका प्लेन और लाइन पैरेलल है। तो अगर आपका यहां पे प्लेन और लाइन पैरेलल है तो अब यहां पे मैं क्वेश्चन को इजी बना सकता हूं। मैं यहां पे क्वेश्चन को इजी कैसे बनाऊंगा, ऑलराइट, अब बच्चों ने आंसर निकाल दिया यहां पे बहुत बढ़िया, बच्चों ने यहां पे आंसर निकाले हैं, बी आंसर निकाला है यहां पर बच्चों ने, 10/3√3। अच्छा, मैं भी एक बार चेक कर लूं, हां मुझे सही लग रहा है लेकिन आंसर ये। ठीक है, कौन कौन यहां पे फिर से रेगुलर नेम्स आ रहे हैं, कबीर ने आंसर दिया है, सहार्थ ने आंसर दिया है, ऑलराइट, फाल्कन 1911, ऑलराइट, शिवम ने भी आंसर दिया है, ऑलराइट। सो बच्चों इस तरह से आप अगर आंसर देते रह रहे हो तो मतलब आपको यहाँ पे एडवांस के क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, इसका मतलब आगे आने वाले पेपर में भी ये वाला चैप्टर छोड़ना नहीं है, ये वाला चैप्टर आपको करके आना है। लॉजिक क्या लगाया जिन बच्चों ने आंसर निकाला, उन बच्चों ने ये लॉजिक लगाया कि अगर मैं यहाँ पे जानता हूँ कि अब ये दोनों फिगर्स आपस में पैरेलल हैं, तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट निकाल लूँ और उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लूँ प्लेन से, उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लूँ प्लेन से, तो एंटायर लाइन का भी वही डिस्टेंस होगा, क्योंकि चीज़ें पैरेलल है ना, और लाइन के ऊपर एक पॉइंट निकालना कौन सी बड़ी बात है, आपके लाइन में जो विदाउट लैम्डा वाली टर्म होती है वो आपका पॉइंट ही होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ द लाइन, इसलिए आपको चीज़ें डीकोड करते आना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या बोला, लैम्डा के साथ में जो है वो डायरेक्शन है, विदाउट लैम्डा जो है वो आपका पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट पी है इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, वो कितना आ गया कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, 2, -2, 3। ये बात समझ में आई सारे बच्चों को, इसके सामने के आईजी के हटा दिए, पोजीशन वेक्टर है, हमने एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, और आपका जो यहां पर प्लेन है उसका इक्वेशन क्या, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सॉरी कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। यहां पर क्या लिखेंगे, आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा, आपका जो प्लेन का यहाँ पे इक्वेशन बनेगा दैट विल बी एक्स प्लस फाइव वाई प्लस जेड माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा, सारे बच्चे समझ गए कि हम वेक्टर फॉर्मेट से कार्टेशियन फॉर्मेट कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब क्या करना है मुझे, अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस बताना है तो ये तो फॉर्मूला याद है ना हमें, फॉर्मूला याद करने का यही बेनिफिट है कि हमें अब आगे को सोचना ही नहीं पड़ता, हमें यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा हमें यहाँ पे करना है। तो ये टू यहाँ पर जाएगा, माइनस टू यहाँ जाएगा तो माइनस टेन बनेगा, थ्री यहाँ पर जाएगा तो प्लस थ्री माइनस फाइव हो जाएगा। डिवीजन में क्या आने वाला है, डिवीजन में आएगा आपका उसमें अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस यही आपको सॉल्व करना था। यहाँ से देखो, यहाँ पे ध्यान से 2, 3 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर निकल के आएगा 10/√27, मतलब 3√3। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, बात आ गई सबको समझ में। ठीक है, तो इस तरह के बच्चों बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, प्लेन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आसान मिलेंगे। ठीक है, आगे और भी यहाँ पर हमें टॉपिक्स करना है, जहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ पे सीखा है कि अगर आपको पॉइंट और प्लेन गिवन है तो क्या क्या सिनेरियोस जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आई गेस और भी क्वेश्चन हैं आप यहाँ पे, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन को एंड ना माने। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, लेकिन मेरा मेन फोकस ये था आज के लेक्चर में कि मैं आपको सारे फॉर्मुलेस बता पाऊँ,
और साथ ही साथ आपको ये रियलाइज करवा पाऊँ कि यहाँ पे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो वाकई आसान है, ठीक है। सो आई होप वो करने में मैं यहाँ पे कामयाब रहा हूँ। आपको सारे फॉर्मुलेस पता चल गए हैं कि यूज़ कैसे करते हैं, और आपको ये भी पता चल गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आसान होते हैं, ठीक है। अगर बच्चों आपको ऐसे ही कुछ बढ़िया से रियलाइजेशंस करना है, देन यू कैन कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन अनअकैडमी प्लस, ठीक है। अनअकैडमी प्लस के ऊपर ज़्यादा इंटरेक्टिव रहती हैं क्लासेस, क्योंकि वहाँ पर इनबिल्ट जो प्लेटफॉर्म है वही ये सपोर्ट करता है कि इंटरेक्शन बढ़िया हो, ठीक है। चीज़ें सामने के सामने चल रही होती है, बच्चे क्या बोल रहे हैं हमें दिख रहा होता है। यहाँ पर जैसे कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी टाइम से कुछ पूछ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें स्किप हो जाती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम लाइव क्लास में मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आपसे इंटरेक्शन अच्छे से हो पाए, ठीक है। सर इंस्टीट्यूट का टेस्ट है 3D का कल, तो कब खत्म होगा? अच्छा, कल ही टेस्ट है, तो आज तो खत्म हुआ नहीं है हमारा। लेकिन मेरे ख्याल से आपको अगर एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो आपको कोई क्वेश्चन अब डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे आराम से टेस्ट देके आओ, जो आपके पोर्शन बचे हुए हैं वो आप फिर बाद में आके यहाँ पे जो सेशन से वो अटेंड करने के बाद में एक बार फिर से उस पेपर का एनालिसिस करना, ठीक है। एनालिसिस करके ये देखना कि अगर हमें थ्योरी पहले पता होती तो क्या एग्जाम हॉल में हम वाकई क्वेश्चन करके आते। अगर करके आते तो देन इट इज़ वेल इनफ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपको वो नहीं करना है, आपको एग्जाम स्किप नहीं करना है, एग्जाम हमेशा देना है आपको, ठीक है। एनडीए के लिए क्या करेंगे? ऑल राइट, विश्वाइज आस्किंग कि एनडीए के लिए क्या करेंगे। यार एनडीए के लिए आप यहाँ पे मैथ्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज कि यहाँ पर आपको जो लेवल मिल रहा है दैट इज़ वे अबव द लेवल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनडीए, ठीक है। आप ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो सारी चीज़ें, ठीक है, आपने सिलेबस से मैच करके पढ़ रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ ये देखो कि यार इसके पहले जो पेपर्स आए हैं, इसके पहले जो पेपर्स आए हैं कि आपको वो सॉल्व करते आ रहे हैं क्या। अगर यहाँ के लेक्चर्स देख के आपको वो पेपर सॉल्व करते आ रहे हैं देन इट इज़ रियली नाइस, आप इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। ऑलराइट, और अगर प्लस ज्वाइन करना चाहते हो देन जेई लाइव का कोड यूज़ कर लो। जेई लाइव कोड यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और यहाँ पर आपकी प्राइसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो अनअकैडमी जेई चैनल है वो तो हमेशा बना रहेगा, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करो। यहाँ के लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको शेयर भी करो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विद द हैशटैग जेई लाइव डेली, ठीक है। जेई लाइव डेली के साथ में शेयर करने का बच्चों ये इंपॉर्टेंस है कि हम इसको ज़्यादा आसानी से ढूंढ पाते हैं इन सारे पोस्ट को, और ये अप्रिशिएट कर पाते हैं कि हाँ यार यहाँ पर बच्चे भी जो हैं वो चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन ले पाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बच्चों हर बार की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल रहेंगे, बहुत जल्दी आप इनको डाउनलोड करके रख सकते हो अपने साथ में, ठीक है। ऑलराइट, और आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं कल फिर से और इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने प्लेन और पॉइंट का डिस्कशन किया था, कल हम यहाँ पे प्लेन और प्लेन का डिस्कशन करने वाले हैं। प्लेन और प्लेन, अगर दो प्लेन्स आपको साथ में दिए हैं तो क्या क्या हो सकता है, दो प्लेन्स के बीच में एंगल बताओ, दो प्लेन्स का बायसेक्टर बताओ, फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय।